क्या है ये सब? तेरा पार्सल आ गया? ये मेरे सवाल का जवाब है भैया, एक ऑनलाइन जीन्स पसंद आ गई थी तो मंगा ली। अब क्या मैं अपने शौक भी पूरे नहीं कर सकती हूँ? 3000 रुपए की जीन्स, 15 दिन का राशन आ जाता है घर का 3000 रुपए में। रो क्यों रही है? आपको पता है, अगर आज मम्मी पापा होते ना तो मुझे मेरे शौक पूरे करने से कभी नहीं रोकते, ना ही मुझे आपकी डांट सुननी पड़ती। मैं तुझे डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जितनी चादर होती है ना उतनी पैर फैलाने चाहिए इंसान। ठीक है, तू ऐसे परेशान मत हो, ये ले पहन ले जा। मुझे नहीं चाहिए, मैं रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दूंगी। अरे नहीं, तुम रिक्वेस्ट वगैरह नहीं डालनी तुझे, सुन तू पहन ले। अच्छा ठीक है, सॉरी नहीं बोलूंगा कभी आगे से, ले लो। ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो मैं ले लेती। हेलो भैया, जल्दी से ना 50,000 रुपए भेज दो। 50,000 रुपए? क्या हुआ है? अरे भैया वो कॉलेज की फीस भरनी है ना, इसलिए। कॉलेज की फीस तो पिछले महीने दी थी मैंने। अरे भैया आपको तो पता है ना, ये कॉलेज वालों को पैसे कमाने के लिए ना नए नए तरीके चाहिए होते हैं। आप ना जल्दी से भर दो वरना मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। अरे चुटकी से फटाफट से कैसे मैं तुझे 50,000 रुपए दे दूं बेटा? मेरे पास भी 100 काम है, मैं कैसे कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ खर्चों को। 50,000 रुपए तो अचानक से बता रही है मुझे, कैसे दूं तुझे इतने पैसे यार? भैया मुझे ना वो सब नहीं पता, और आप क्या मेरी पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं दे सकते हो क्या? देख लो, अगर मैं एग्जाम में फेल हुई ना तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अरे तू ऐसी बात मत कर, चुप चुप बोल, मैं देखता हूँ कुछ, मैं शाम तक कुछ इंतजाम करता हूँ। ठीक है, परेशान मत होना। ठीक, 50,000 रुपए का जुगाड़ हो गया गोवा जाने के लिए, चल। जी मैं लोन रिकवरी एजेंट हूँ, मनीष पांडे का घर यही है? जी यही है। कैसा चोर आदमी है, लोन ले रखा उसने, कब से लौटाने का नाम तक नहीं ले रहा है, आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। देखिए अभी घर पर नहीं है भैया। झूठ बोल रही हो मेरे से, मनीष बाहर निकलो, मनीष। अरे आपसे कहा ना अभी घर पर नहीं है, और ज्यादा बदतमीजी की ना तो पुलिस को कॉल करके बुला दूंगी। ठीक है इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं लौटाए ना तो मेरी जूती और उसका सर। भैया आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपके ऊपर इतना लोन था? लोन वाली बात तुझे कैसे पता चली? वो लोन रिकवरी एजेंट घर पर आया था, उसने बताया मुझे। तो मैं तुझे ये सब नहीं बताना चाहता था, क्योंकि तू अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही है, मैं नहीं चाहता था कि तू इन सब चीजों की टेंशन ले। भैया आई एम सो सॉरी, मैं आपसे झूठ बोलकर पैसे लेती रही। भैया आई स्वेयर मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं छुटकी, देख तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। मैं कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करूंगी ताकि आपकी लोन का बर्डन कम हो जाए। तुझे ये जॉब अप करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल। नहीं भाई प्लीज। अरे प्लीज। ठीक है कर लेना, ठीक है अब ये मुंह मत लटका। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.